Xiaomi अपने एक और बजट स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर चुका है और उस स्मार्टफोन का नाम है Redmi 7A। और मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, Xiaomi जो है एक अट्रैक्टिव लाइन के साथ उतरा है, वो है स्मार्ट देश का स्मार्टफोन। इस तरीके की लाइन को जो है यूज़ करके खतरनाक सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहा है। तो गाइस, ये फ़ोन जो है वाकई में अच्छा है, क्या हमें इस प्राइस रेंज में अच्छी स्पेसिफिकेशन दे देता है? क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, इसी प्राइस रेंज में Realme की तरफ से Realme C2 फ़ोन आता है और स्पेसिफिकेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी हमें मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू Redmi 7A। तो गाइस, आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन खरीदना है या फिर क्या स्पेसिफिकेशन हमें मिलती है, इस तरीके के डाउट आई नो आप लोगों के दिमाग में आने चालू हो गए होंगे। तो इस वीडियो में मैं वो सब जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखना है। और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूं। तो गाइस, मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं tech+gadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने अपनी वीकली टेक न्यूज़ में कहा था कि Redmi 7A जो है वो 4 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा, तो गाइज़ ये कल के दिन लॉन्च हो चुका है और इसको आप 11 जुलाई से जो है Flipkart के थ्रू या MI.com या फिर MI Home के थ्रू जो है परचेस कर सकते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन के अगर बारे में बात करूँ तो ऑन पेपर अभी इसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो दो वेरिएंट में, आपको दो वेरिएंट के अलग अलग प्राइस देने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप 2GB वाला और 16GB स्टोरेज वाला फ़ोन खरीदते हैं तो वो आपको पड़ेगा 5799 रुपीज़ में, और अगर आप खरीदते हैं 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला तो वो आपको पड़ेगा 5999 रुपीज़ में। सिर्फ 200 रुपये के अंतर में जो है आपको 32GB मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 32GB वाला ही फ़ोन खरीदिए। बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 5.4 इंच का HD+ का डिस्प्ले मिल जाएगा। इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले वो लोग नहीं दे सकते थे, अगर देते तो ऑब्वियसली इसका प्राइस बढ़ जाता। लेकिन इसकी जो खासियत है जो मुझे हर Redmi सीरीज़ के फ़ोन की लगती है, वो ये कि आपके हाथ में वो आराम से आ जाते हैं, उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो उसको आप सिंगल हैंडेड जो है यूज़ कर सकते हैं। इसकी और भी ज़्यादा जो खासियत है वो ये है कि इसका स्क्रीन साइज़ जो है Xiaomi ने थोड़ा बड़ा कर दिया है एज़ कम्पेयर टू Redmi 6 से, जो इसका पुराना फ़ोन था उसके कंपेरिजन में। तो आपका जो है बॉडी फ़ोन की उतनी ही है, लेकिन स्क्रीन साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है। तो ये जो है एक बहुत खास अपडेट जो है Xiaomi लेकर आया है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको क्वालकॉम का 439 प्रोसेसर मिल जाएगा। इस प्राइस रेंज के अंदर जो ये प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बाकी के अदर फोन्स में भी ये प्रोसेसर है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है ये आपको दे देगा। आपको अगर पबजी वगैरह खेलना है तो आप इसमें आराम से खेल सकते हैं, लेकिन लो सेटिंग्स में जो है ये पबजी गेम को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है, तो आपको कोई भी लैग वैग तरीके की जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। इशू उसी में आएगा अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन खोल के इस फ़ोन को अगर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत लैग कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2GB की रैम मिलती है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आप पबजी खेल रहे हैं तो सारी ऐप को क्लियर करके खेलें, या फिर कोई भी फ़ोन की एप्लीकेशन को चला रहे हैं तो ज़्यादा ऐप को ना खोलें, तब जाके ये प्रोसेसर जो है आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगा। अब बात कर लेते हैं Redmi 7A के सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर की, जिसको Xiaomi ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके बताया है, वो है इसका कैमरा सेगमेंट। तो गाइज, इसमें आपको जो इसका रियर कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। इसकी खासियत ये है कि इन दोनों में जो है आपको AI सपोर्ट मिल जाएगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो है आपकी इमेज की क्वालिटी और भी ज़्यादा बेहतर जो है इसमें आपको दिखने वाली है। अगर आप ये इमेजेस वगैरह देख रहे हैं, ये सारी इमेजेस Redmi 7A के थ्रू ही ली गई हैं। तो इसमें जो है प्राइस के हिसाब से गाइज, जब मैंने इसका कैमरा की क्वालिटी देखी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, क्योंकि मैं Redmi 6A को ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो उसका कैमरा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इसकी अभी जो कैमरा क्वालिटी निकल के सामने आ रही है काफ़ी बढ़िया है। बजट में आपको बढ़िया सी डिटेल वाली इमेज मिल जाती है, और अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो वो भी आपको अच्छी मिल जाती है। सेल्फी कैमरा आपको जो है मेरे को दिखने में सेम वैसा ही लगा जैसा Redmi 6A में था, लेकिन रियर कैमरा जो है मुझे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिल रहा है। तो अगर आप कैमरे के मामले में भी थोड़ा डाउट कर रहे हैं तो गाइस बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा कैमरा आपको दे देगा। Redmi 7A का सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगा है वो लगा है इसके बैटरी। तो गाइस, आपको इसमें 4000 mAh की बैटरी जो है Xiaomi ने दे दी है, बहुत बड़ी बैटरी बैकअप दी है, आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, एक दिन जो है वो आराम से चल जाएगा। तो गाइस, 4000 mAh की आपको इसमें बैटरी बैकअप मिल जाती है।
तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि इस फोन को आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में Realme C2 जो है वो आपको मिल जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, Realme C2 का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा अच्छा है, लाइक आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले दे देता है वाटर ड्रॉप के साथ, उसके साथ साथ उसमें जो है आपको डुअल कैमरा मिल जाता है, तो वो फोन जो है काफी अच्छा ऑप्शन है, सेम प्राइस रेंज में मिल रहा है, जो Redmi 7A नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, ये जो है फोन है वो Xiaomi की तरफ से है, और Xiaomi का ये जो सीरीज है Redmi सीरीज जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और अच्छी खासी चली है। Realme जो फोन है वो अभी आया है, आपको बजट में फोन अच्छा दे रहा है, आई नो स्पेसिफिकेशन वगैरह भी ठीक ठाक दे रहा है, लेकिन भरोसेमंद अभी के टाइम पर Redmi का ये फोन है, क्योंकि 7,000 रुपए भी मैटर करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को सजेशन ये दूंगा कि आप इस फोन को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप फिर भी एक अच्छा डिस्प्ले चाहते हैं, लाइक बड़ा सा डिस्प्ले चाहते हैं और डुअल कैमरा चाहते हैं, तो आप Realme के फोन को खरीद सकते हैं। लेकिन आप एक भरोसेमंद फोन खरीदना चाहते हैं अभी के टाइम पे, तो Redmi जो है ये 7A काफी ज्यादा अच्छा फोन आपको मिल जाता है। तो गाइस ये था मेरा ओपिनियन Redmi 7A के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर देना, ताकि आप एक लाइक दें और मैं और भी मोटिवेट हूँ और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लेकर आता रहूँ। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।